नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा में आधी रात आग ने मचाया तांडव, चार बाइक, एक कार, एक डीजल पंप सहित गृहस्थी जली, समय पर नहीं पहुंची दमकल टीम। रीवा जिले के चाकघाट थाना अंतर्गत बरुआ गांव में आधी रात आग ने जमकर तांडव मचाया है। बताया गया कि भीषण आगजनी में चार बाइक, एक कार, एक डीजल पंप सहित गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया है। शोर शराबा सुन आसपास के ग्रामीण दौड़े हैं, जिन्होंने मोटर, सबमर्सिबल पंप व बाल्टी से पानी डालकर आग बुझाई है। तब कहीं जाकर आग बुझी है। आग लगने के कारण अज्ञात हैं। पीड़ित परिवार घर के अंदर सो रहा था, तब पड़ोसियों ने खबर दी है। आरोप है कि तत्काल चाकघाट पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, पर जानकारी के बाद भी चाकघाट नगर परिषद का दमकल नहीं पहुंचा है। जब ग्रामीण आग पर काबू पा लिए हैं, तब दमकल वाहन पहुंचा है। शुरुआती जांच में 15 लाख का नुकसान है। पता चला है कि चाकघाट से बरुआ गाँव की दूरी 25 किलोमीटर दूर है। चाकघाट थाना प्रभारी उषा सिंह सोमवंशी ने बताया कि शनिवार सोमवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे यज्ञ भान द्विवेदी पुत्र त्रिभुवन नाथ द्विवेदी 52 वर्ष निवासी बरुआ के घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई थी। सूचना के बाद रात में ही थाने के 2 सिपाही गए थे। दूरी और रात होने के कारण दमकल वाहन आधे घंटे बाद पहुंचा है। इसके पहले ही ग्रामीण आग पर काबू पा लिए हैं। पूरी गृहस्थी चौपट। पुलिस ने घटनास्थल की जांच में 15 लाख रुपए के नुकसानी का आकलन किया है, जिसमें चार बाइक, एक कार, एक डीजल पंप, बैटरी वाली साइकिल, मवेशियों की हरी घास काटने वाली मशीन, 20 क्विंटल गेहूं, राई, चना, चावल सहित गृहस्थी का पूरा सामान जलकर राख हो गया है। गनीमत थी कि पड़ोसी समय पर जगा दिए, नहीं जनहानि भी हो सकती थी। पुलिस पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।